दोस्तों आज मैं आया हूँ महालक्ष्मी रेस कोर्स में और यहाँ पे आज पूरा वीडियो आप देखोगे पूरा टूर महालक्ष्मी रेस कोर्स का और स्पेशली यहाँ पे इंडियन डर्बी फेस्टिवल है जो साल में सिर्फ एक ही बार होता है और जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट संडे। तो यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ पूरा माहौल कैसा है। तो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर। और जो आप वीडियो देख रहे हो इसके लिए मैंने 300 रुपीज़ पे किए हैं क्योंकि अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है। तो ये जो बैंड देख रहे हो इसको बैज बोलते हैं और ये इसके अगर हाथ में रहेगा तो ही मुझे अंदर जाने देंगे फ़ोन लेके। तो लेट्स गो। तो दिस इज़ द ग्राउंड जहाँ पे हो रहा है कंटिन्यू रेस बैक टू बैक एवरी 15 मिनट्स या हाफ एन आवर के इंटरवल पे। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सीरियसली। यहाँ पे क्राउड भी इतना ज़्यादा है कि मतलब यार टिकट के लिए भी अगर मैं बेट करना चाहूँ कोई भी रेस पे तो मुझे टिकट में के लिए भी 15-20 मिनट क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, इतना रश है यहाँ पर। और नेक्स्ट रेस की तैयारी चालू है। 360 व्यू, दिस इज द सिटिंग एरिया और इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी लोग बैठते हैं। यहाँ पे बैनर लगाया हुआ है किंगफिशर अल्ट्रा डर्बी इंडियन 2019। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये डर्बी रेस है क्या। बेसिकली ये किंगफिशर के द्वारा प्रोवाइडेड है ये रेस जो भी हर साल में होता है एवरी मंथ ऑफ फेब, और फेब के फर्स्ट वीक में जो संडे होता है, सैटरडे और संडे दोनों दिन होता है ये रेस। और यहाँ पे लोग आते हैं, पैसे लगाते हैं घोड़ों पे और पैसे कमाते हैं। ये एक बोल सकते हो एक तरह का जुआ भी है, मतलब यहाँ गैम्बलिंग भी होती है। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट रेस वो फटाफट स्टार्ट हो और मैं भी बेट करना शुरू करूँ यार, थोड़े बहुत पैसे तो लगा ही सकता हूँ। दोस्तों ये है टिकट काउंटर्स जहाँ से आप टिकट लोगे और यहाँ बेट करोगे अपने अपने हॉर्सेस पे, जिस हॉर्स पे आपको बेट करना है यहाँ से आपको टिकट लेने होते हैं। तो देख रहे हो कितना भीड़ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लग रहा है मुझे तो यार, इतनी रश है यहाँ पे। तो ये जितने भी टिकट ले रहे हैं नेक्स्ट जो रेस होने वाला है उसके लिए सब तैयारी कर रहे हैं, अपने टिकट ले रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स है यहाँ पे इस LCD में जो जो रेस हुआ उसके रिप्ले और उसका ट्रॉफी विनिंग रेस का। और दोस्तों बेट करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि 1,500 रुपये ही लगाने हैं, आप उसका छोटे अमाउंट भी लगा सकते हो, जैसे 50, 100 या 120 रुपये भी बेटिंग के लगा सकते हो। तो यहाँ पे हर कोई मतलब छोटा मोटा अमाउंट लगाता है और अपना लक ट्राई करता है, शायद उसकी नसीब साथ दे और वो जीत जाए। और यहाँ से एंट्री होती है बस की, जिसका कुछ 500 से 1,000 रुपीज़ के आसपास चार्जेस है। बाकी लोग के लिए ड्रेस कोड भी मैंडेटरी है, जिसमें जेंट्स को सूट पहनना होता है और लेडीज़ को वन पीस एंड ऑल वेस्टर्न आउटफिट काइंड ऑफ। तो हॉर्सेस आर कमिंग जिसका अभी जस्ट कंप्लीट हुआ रेस नंबर 4।
नंबर 6, नंबर 5, अरे आज़रवान tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion. These horses are going for next race. Guys, next race is going to be start in next 5 minutes. अरे यार ग्लेयर्स लाना चाहिए था, आँखें खुल नहीं रही, इतनी धूप है. और जब भी आप लोग अगर ग्लेयर्स और एक बाइनाकुलर लेके आओ, फुल इंजॉय करोगे आप. प्लीज बेयर विद मी, नेक्स्ट रेस स्टार्ट हो रहा है. Horses are ready. एक और 360 व्यू. कितना भीड़ है, कितनी पब्लिक है, गॉड. 3, 4, 8, 9. दोस्तों ये रेस में जो नंबर 3 का घोड़ा जीत गया, और इसी के साथ साथ अब समय हो गया घर जाने का. तो बाकी जाते जाते मैं आपको क्या कहूँ, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो ग्लेयर्स और बाइनाकुलर लेके आओ, फुल ऑन एंजॉय करोगे. मोबाइल तो अलाउड नहीं है, मोबाइल अगर चाहिए तो 300 रुपये दे दो और लेके आ जाओ और शूट करो वीडियो मेरी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ. बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा भी आया हाँ यहाँ के रेस वगैरह देख के. और उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो. यहाँ पे इस रेस कोर्स में आने के लिए महालक्ष्मी स्टेशन उतर जाओ, ठीक है, और स्टेशन से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप आराम से आ सकते हो. और अगर बाय रोड आ रहे हो तो महालक्ष्मी का तो आपको पता ही होगा रेस कोर्स कहाँ है, या मैप गूगल में सेट कर लो, पहुँच जाओगे यहाँ पे. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड. बाय बाय. और दोस्तों ये तो बताना भूल ही गया कि एंट्री चार्जेस क्या. तो एंट्री चार्जेस यहाँ पे 50 रुपीज़ है,
100 रुपीज़ है और 500 रुपीज़ है, उसमें डिफरेंस क्या है कि 5500 वाले जितने भी है टिकट्स उसमें आपको नॉर्मल एंट्री मिलती है जहाँ पे आपको मतलब काफ़ी भीड़ होगा। 500 रुपीज़ मेंबर्स के लिए है और वहाँ पे ड्रेस कोड अलाउड है जैसा मैंने पहले बताया। तो बस कितने का दिया है? 30 रुपीज़ का। इसमें मतलब पूरा का डिटेल्स दिया हुआ है, डिटेल बुक, कभी रेस है, कितना घोड़ा है, क्या है, कितना बजेगा अभी रेस? 6 बजे तक लास्ट रेस है क्या? 4 बजे, 4:10 हो रहा है। कितना भाई इसका? 4:15 का भी चौथा रेस है। 4:15 का कितना पैसा लगाने का इधर? वो अंदर मालूम है। ये 100 रुपए पे कितना मिलता है? वो भाव से और 5.5 का लास्ट है। आपने दे सकते हैं? नहीं गलती है, आपने लगा तो इधर ना, हम लोग वो भाव से खुलते हैं, भाव ऐसे फिक्स भाव नहीं है। कितने का बुक? 30 रुपये। तो लेके क्या करने का? वो उसमें सब घोड़े का नाम है, जो आपकी कौन कौन है, क्या है, देख सकता हूँ क्या, कितना घोड़ा है, भक्ता है, क्या है, वो उसमें कितने का पूरा डिटेल दिया रहेगा।